हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ओम्स लॉ को डिफाइन किया था, जिससे कि ये कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वह गुण होता है जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मीन्स प्रतिरोध किसी भी कंडक्टर का, चालक का वह गुण होता है जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे रोकता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, रेजिस्टर जो कंडक्टर होता है, मान लो ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, इसे हम रजिस्टर कह सकते हैं। रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट होता है, सब्सटेंस होता है, कोई वस्तु होती है, जबकि रजिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का गुण होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये जो रजिस्टेंस है ना, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर से ये अफेक्टेड हो। मान लो ये कोई मेटेलिक कंडक्टर है, जिसकी लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला A है, और ये किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। तो फ्रेंड्स, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस इस मेटेलिक कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? फ्रेंड्स, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मींस फ्रेंड्स, जितना लंबा वायर होगा उस पर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लगेगा, और वायर जितना छोटा होगा, जिसकी लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस उतना ही कम लगेगा। मींस इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज्ड, एंड डिक्रीजिंग ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। मींस कंडक्टर की ओर हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। एंड सेकेंड, डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है? फ्रेंड्स, जैसे ये है कोई वायर है, ये चौक है, मान लो ये मेटेलिक कंडक्टर है, तो इसका जो एरिया होगा, सर्कुलर एरिया, इसे ही कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वाले एरिया को। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। और ये कैसे डिपेंड करता है? इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज आर एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स फ्रेंड्स, अगर वायर पतला है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, अगर वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, ऐसे ऐसे समझिए। और ऐसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रेंड्स, मान लो ये दोनों सेम मटेरियल के हैं, ये चौक पतली है तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और ये दूसरा कंडक्टर है, ये इसके कंपेयर में थोड़ा मोटा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा। तो फ्रेंड्स, और थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मींस फ्रेंड्स, थर्ड ये डिपेंड करता है कि ये जो कंडक्टर है ना, किस मटेरियल का बना हुआ है, सिल्वर का है, आयरन का है, गोल्ड का है, कॉपर का है, या एल्यूमिनियम का है, इस बात पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ज्वाइन करते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो आता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए।
और फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो देन r इक्वल टू रो l अपॉन a, वेयर दिस इज द रो, वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। And is called the resistivity. Rho is called the resistivity of the material of the conductor. Means ये conductor किस material का बना हुआ है और उसकी property होती है resistivity. So friends, by third equation, rho equal to R A upon A. Friends, अगर हम इसकी SI unit की बात करें, मात्रक की बात करें, तो इधर ध्यान देना फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर, मीटर इज कैंसिल बाय मीटर, देन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो फ्रेंड्स रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर। That clear friends? तो friends, आज का ये session आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने friends को share किया करें। अगर आप channel पर नए हैं तो please channel को subscribe करें। Thanks for watching.